हे गाइस, कैसे हैं? हमसे स्वागत है आपका जेजी फोर टेक की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पबजी मोबाइल का एक फुल गेमिंग रिव्यू, जो कि हम करने वाले हैं आईक्यू 7 मोबाइल में। ये हमारा आईक्यू 7, तो इस फ़ोन में आज हम एक घंटे का पबजी एक्सट्रीम टेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे ग्राफिक्स सबसे ज़्यादा हाई सेटिंग्स रखेंगे हम जितने इसमें अवेलेबल हैं। वो हम देखने वाले हैं कितने ज़्यादा ग्राफिक्स अवेलेबल है। फिलहाल यहाँ पे हीटिंग वगैरह देखेंगे। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 768G 5G प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि पहला प्रोसेसर इंडिया में। उसकी कैपेबिलिटीज़ भी यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या है। इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए दोस्तों, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गेमिंग के मामले में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमने पबजी मोबाइल को ओपन कर लिया। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, मैं बैटरी वगैरह दिखा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, कौन सी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे ग्राफिक्स सेटिंग्स में चल के आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे स्मूथ वाली सेटिंग्स पे आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बैलेंस्ड अल्ट्रा तक मिल जाता है आपको। HD में भी आप अल्ट्रा खेल सकते हैं और HDR में भी अल्ट्रा खेल सकते हैं। यहाँ पे HDR अल्ट्रा तक अवेलेबल है। यहाँ पे हम इस वाली गेम में क्या करेंगे, आधा घंटा हम खेलेंगे HDR अल्ट्रा पे और आधा घंटा खेलेंगे हम स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे। दोनों का आपको फर्क पता चल जाएगा यहाँ पे कि कितना ज़्यादा किसमें स्लो चलती है गेम या फिर क्या डिले है। यहाँ पे अल्ट्रा पे सेट कर लिया अभी मैंने ग्राफिक्स को और HDR पे। यहाँ पे अब आपको बैटरी लेवल दिखा देता हूँ और यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट कर देंगे हम, जिससे कि हमें पूरा एक घंटा पता चले क्या चल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मैंने केस हटा दिया डिवाइस का, यहाँ पे आपको पता चल पाए हीटिंग वगैरह के बारे में अच्छे से। और यहाँ पे बैटरी बात करें तो 40% बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारी जो है बैटरी 40% है और इसको हम स्टार्ट करेंगे अब। और यहाँ पे हमारा जो है सेट कर लेते क्लासिक मैच, और क्लासिक मैच में हम खेलने वाले हैं इरेंजल को। यहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। मैं एक बार फटाफट से गेम को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप टाइमर भी स्टार्ट कर देते, जैसे ही मैं स्टार्ट करते हैं टाइमर भी और यहाँ पे मैच भी, और यहाँ पे हमने टाइमर को स्टार्ट कर दिया है। अब आप इस गेम प्ले में, आपको इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा एक घंटे की एक्सट्रीम गेमिंग करने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। इस फ़ोन से रिलेटेड और भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों HDR अल्ट्रा में शेडोज़ वगैरह कितने क्लियर आ रहे हैं, एकदम आपको बहुत सही लग रही है। और मैं एक बार माइक को ऑफ कर देता हूँ। ये दोस्तों मेरी मेन आईडी है जिस पे मैं खेलता हूँ, तो वहाँ पे हम खेलने वाले हैं। और यहाँ पे फटाफट से एक बार मैच स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लैंड कर चुके हैं पोचिंकी में और यहाँ पे एक बंदा ही मार दिया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ गेम प्ले कैसे चल रहा है और स्मूथनेस कैसी है, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रही है यार गेम। HDR अल्ट्रा पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। शेडोज़ वगैरह आप देख सकते हैं, एकदम मतलब जेन्युइन घर वाली फीलिंग आ रही है, जैसे यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं सामने से हमें कहीं से मार दिया गया है, जिसको हम बंद करेंगे अब। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल मैं बताऊँ तो यहाँ पे शेडोज़ वगैरह जैसे आप देख सकते हैं रोशनी आ रही है सूरज की, काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और बिल्कुल भी एक स्टटर लैग्स नहीं मिला है हमें। यहाँ पे एक बार इस वाले मैच को तो हम ख़त्म कर ही देते हैं अब। और आपको मैं 15 मिनट के बाद दिखाऊँगा स्टैट्स क्या हैं, बैटरी कैसी है और कैसा हमारा सब कुछ चल रहा है। इस गेम प्ले को एन्जॉय करिए जब तक आप, और मैं मिलता हूँ आपसे 15 मिनट बाद। तो गाइस यहाँ पे हमारी 15 मिनट जो है हो चुकी है, और मैं एक बार आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ क्या है बैटरी वगैरह। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे अगर सबसे पहले आपको बैटरी दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे जो बैटरी वो 35% है दोस्तों। यहाँ पे 5% इसने बैटरी ड्रॉप हुई है 15 मिनट की गेमिंग में।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब ठीक ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी हमें बैकअप नहीं मिला है, लेकिन वो टोटल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसा लगा बैकअप मुझे और कैसा रहा सब कुछ। लेकिन अगर हीटिंग की बात करें तो हीटिंग यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, एकदम अच्छे से है, नॉर्मल टेम्परेचर है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हल्की सी वॉर्मनेस आपको इस वाले पोर्शन में मिलेगी, जो कि थोड़ी सी है वो आपको फील भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विड कूलिंग का आपको सिस्टम दिया गया है आईकू ने इस वाले फ़ोन में, सो वो यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों अब एक बार मैं आपको आधे घंटे तक गेमिंग करता हूँ और आधे घंटे के बाद मिलते हैं एक बार। और HDR अल्ट्रा पे ही चल रही है, एकदम स्मूथ चल रही है दोस्तों, हल्का सा भी मेरे को अभी तक जिटर वगैरह नहीं मिला है, स्टटर वगैरह लैग वगैरह कुछ नहीं मिला है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से चल रही है गेम, और जो शेडोज़ वगैरह है जो आप देख सकते हैं वो तगड़ी आ ही रही हैं HDR अल्ट्रा की वजह से। सो मैं आपको आधे घंटे की गेमिंग करता हूँ और आप देखते रहे इस गेमिंग को, और आधे घंटे के बाद स्टैट्स के बात करेंगे क्या रही। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट आधा घंटा होने ही वाला है, और आपको बता दूँ एक चीज़ यहाँ पे कि HDR अल्ट्रा में दोस्तों अगर आपको खेलने की आदत है या फिर आप हाई गेमर हैं HDR अल्ट्रा ग्राफिक्स जैसे खेलते हैं, सो यहाँ पे आपको इस वाले फ़ोन में आपको इस ग्राफिक्स में काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गेम प्ले मिलने वाला है उन वाले इस फोन में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सही एकदम स्मूथनेस मिल रही है। 120 Hz तो नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि 120 FPS में PUBG सपोर्ट नहीं करता है अभी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। HDR अल्ट्रा पे मैं खेल रहा था और आधा घंटा मैं ऑलमोस्ट खेला यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस रहा था मेरा यहाँ पे। और एक बार स्पीकर की आवाज़ कम कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जो भी आप मूव करते हैं, जैसे कि जंप करते हैं या फिर रनिंग करते हैं या फिर रनिंग करते हुए आप एम करके फायर करते हैं, तो सभी चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गेम प्ले दिखा देता है आपको, और मतलब बिल्कुल भी मेरे को अभी तक एक सिंगल लैग नहीं देखने को मिला है। और हमारी 30 मिनट्स में यहाँ पे पूरी हो गई है, सो एक बार मैं आपको बैटरी वगैरह भी दिखाई देता हूँ यहाँ पे। तो बैटरी यहाँ पे दोस्तों 30% है, आप देख सकते होंगे, तो 30% यहाँ पे बैटरी है, 10% इसने बैटरी खा ली है 30 मिनट की गेमिंग में। यहाँ पे आपको 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि आती है 55 W की चार्जिंग के साथ, तो कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन जो बैटरी ड्रेन है वो इतने हाई ग्राफिक्स पे मेरे ख्याल से 4400 mAh की बैटरी के लिए ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा तगड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ बैटरी ड्रेन नहीं कह सकते इसे, ये नॉर्मल जो आपका गेम का यूसेज है उसे वो कह सकते हैं। सो डेफिनेटली इसे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा गेम प्ले था, लेकिन अब हम आधा घंटा जो बचा है हमारा उसमें खेलने वाले हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स में। सो यहाँ पे एक बार ग्राफिक्स को सेट कर लेते हैं एक्सट्रीम ग्राफिक्स पे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको एक फ़र्क दिखेगा वो, और वो आपको यहाँ पे इसमें पता चलेगा गेम प्ले में। क्लासिक में दोबारा स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे मैंने अरेना इसलिए चालू किया था क्योंकि वहाँ पे आपको दिखाना था कि अरेना ट्रेनिंग खेलते हुए भी आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहेगा इस वाले डिवाइस के साथ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है वहाँ पे भी, और वहाँ पे तो आपको पता ही है रश फायर बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे भी मेरे को एक सिंगल लैग देखने को नहीं मिला। तो अब डेफिनेटली इसे काफ़ी पावरफुल डिवाइस मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है ये 768G। और ये देखिए मैं आपको मेन डिफरेंस जो बता रहा था HDR अल्ट्रा और स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में, वो वाला डिफरेंस दोस्तों ये है। अब जैसे कि आप प्ले चला रहे गेम को, सो यहाँ पे जो स्मूथनेस आपको लग रही है वो HDR अल्ट्रा में नहीं लग रही थी, एकदम स्मूथ, मतलब मक्खन की तरह भाग रहा है बंदा, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर्स है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है गेम प्ले, और बहुत ज़्यादा अच्छे से चलता है प्लेयर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स में। और अगर आपको आदत है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स में खेलने की, तो ये डिवाइस आपको डेफिनेटली से काफ़ी सारे चिकन डिनर्स दिलवा सकता है।
और सिर्फ पबजी नहीं दोस्तों, कोई भी गेम आप खेलेंगे तो वहाँ पे आपको कोई भी लैग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। मैंने एसफॉल्ट भी ट्राई करी थी, इसमें सीओडी भी ट्राई करी थी, आप हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो में जाके देख सकते हैं, कार्ड सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको दिखाया है मैंने सीओडी खेल के कैसे चलती है गेम उसमें। बाकी दोस्तों अब खेलते हैं इसको, 45 मिनट टोटल करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा एक्सपीरियंस है। बाकी हीटिंग की बात करूँ तो बिल्कुल भी हीटिंग नहीं हुई डिवाइस में, काफ़ी अच्छे से इसने कूलिंग मेंटेन की है और बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे चीज़ लगी है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग काफ़ी सारे डिवाइस में होता था लेकिन यहाँ पे एक डेडिकेटेड कूलिंग चैम्बर आपको दिया हुआ है इस वर्ल्ड डिवाइस में, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा काफ़ी। सो एक बार इसको और खेलते हैं और देखते हैं कि कैसा चलता है हमारा स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स में। तो गाइस यहाँ पे हमारी 45 मिनट्स पूरी हो गई है और डिवाइस की बात करूँ, सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में तो यूँ लगा लीजिए आप फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस दे रहा है दोस्तों, एकदम मक्खन चल रही है गेम। जैसे कि HDR अल्ट्रा में क्या था, लैग्स तो वगैरह कुछ नहीं था लेकिन वहाँ पे एकदम ऐसा नहीं चल रहा था, बटरी स्मूथ वहाँ पे चल रहा था अच्छा, लेकिन यहाँ पे बटरी स्मूथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहाँ पे दोस्तों एक सिंगल लैग नहीं मिला है मुझे, ना ही HDR अल्ट्रा में मिला था ना ही इसमें मिला है, सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगी मुझे। एंड अगर बैटरी वगैरह की बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे बैटरी आपको दिखा देता हूँ, बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी अभी 24%, सो अभी 6% और ड्रॉप हो गया, मतलब 5-6% और ड्रॉप हो गया 15 मिनट के अंदर, तो मतलब ऐसे ही चल रहा है दोस्तों, 5-10% ड्रॉप हो रही है 15 मिनट में। सो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं एक घंटे के बाद कितनी होगी इसकी बैटरी, सो वो अराउंड होनी चाहिए 19-20%, तो इस तरह की कुछ बैटरी होनी चाहिए इसकी फुल गेमिंग के बाद। और यहाँ पे दोस्तों अगर हीटिंग की भी बात कर लूँ मैं, तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहा हूँ इस वाली चीज़ से, यहाँ पे ये डिवाइस बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है, हल्की हल्की वार्मनेस आपको यहाँ पे इस वाले एरिया में मिलेगी और इस वाले एरिया में मिलेगी, लेकिन वो हीटिंग नहीं है, वो नॉर्मल से आप वार्मनेस बोल सकते हो, हीटिंग नहीं कह सकते। सो डेफिनेटली इसे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है गेमिंग वगैरह। और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं जैसे गेम मैंने मिनिमाइज़ करी थी और एकदम स्मूथ हो गई, कोई लोडिंग वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जैसे कि कुछ डिवाइसेस में होता है, मेरे वाले में भी होता था, सो यहाँ पे वैसा कुछ सीन नहीं है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है आपको इस डिवाइस में। अब दोस्तों इसकी मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सोच रहा हूँ दिखाने की, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, और जब तक हमारा एक घंटा होगा जब तक के लिए आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। सो वहाँ पे भी आपको पता लग जाएगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त लैग करता है या नहीं, और मैं सिस्टम में जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वही वाला यूज़ करने वाला हूँ, कोई एक्सटर्नल यूज़ नहीं करूँगा, तो वो आप डेफिनेटली से देखते रहिए और आपको मज़ा आएगा देखने में। और तब तक के लिए आपको पूरे घंटे बाद मिलूंगा दोस्तों, तब तक आप गेम प्ले एंजॉय करिए और बाकी सब चीज़ें देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पे हमारा एक घंटा पूरा हो गया है और मैंने गेम ख़त्म करने के लिए गाड़ी को ब्लास्ट करा, कहीं आप कमेंट सेक्शन में लिखो नूब है तू। सो
यहाँ पे हमारा जो 1 घंटा है वो हो चुका है पूरा। सबसे पहले दोस्तों बैटरी दिखाऊंगा मैं आपको कितनी है इस वाले फ़ोन में अभी। बैटरी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो बैटरी बची है वो है 18%। तो यहाँ पे अब दोबारा इसने 6% का ड्रॉप लिया है। तो मीन्स इसने एक आधे घंटे के बाद, आधे घंटे तक ये 5-5% का ड्रॉप ले रहा था, लेकिन आधे घंटे के बाद इसने 6-6% का ड्रॉप लिया है बैटरी में, जो कि हल्का सा मुझे ज़्यादा लगा। लेकिन वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बैटरी कम बच रही थी डिवाइस में, जैसे कि 30% से नीचे थी, तो इस वजह से भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लगी बैटरी जो कंज्यूम हुई बाद में। पहले ठीक था, HDR अल्ट्रा में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चल रही थी गेम और उसमें कोई भी लैग्स वगैरह देने नहीं मिले, ना ही मुझे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक्स में एक सिंगल लैग मिला। तो यहाँ पे ओवरऑल गेम प्ले जो होगा दोस्तों इस वाले फ़ोन में वो बहुत तगड़ा होने वाला है, तो उसके लिए आप अश्योर रहिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको गेम प्ले करने में। बात करें अगर दोस्तों हीटिंग की, तो इस वाले एरिया में ऊपर जो यहाँ पे स्क्रीन का ये वाला एरिया है और साथ ही साथ ये वाला जो एरिया है, इन दोनों में हल्की वार्मनेस मिलेगी आपको, हीटिंग नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। और ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी इस वाले डिवाइस में गेमिंग करते हुए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डिवाइस जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाते थे, लेकिन इस वाले डिवाइस में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा इशू। तो ये चीज़ मैं डेफिनेटली से कहना चाहूँगा काफ़ी ज़्यादा कमाल किया है आईकू ने। और डेफिनेटली से अगर आपको गेमिंग के लिए डिवाइस चाहिए 20,000 के अंदर, तो ये वाला डिवाइस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पावरफुल रहेगा, इवन Redmi Note 10 Pro Max से भी और Realme 8 Pro से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा ये डिवाइस। हाँ, उनमें AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 120 हर्ट्ज की IPS LCD डिस्प्ले है। अगर आपको चल जाता है ये डिस्प्ले जो मतलब वाटर ड्रॉप नॉच वाली से, तो डेफिनेटली से आपके लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा ऑप्शन है वाला फ़ोन और बहुत तगड़ी गेमिंग आपकी होने वाली है इस फ़ोन में। तो उसके लिए आप कोई भी चिंता मत करिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्दी, टिल देन बाय बाय।